चलिए दोस्तों, हम लोग से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। आयु से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। इसके बारे में कल एक नोट और इसको रेशियो मेथड से बनाकर बताया था, आज फुल प्रोसेस से बनाएंगे, है ना, एक्स वाई जेड मानकर। चलिए देखिए कैसे बनता है। अब यहाँ है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2, और दोनों के उम्रों का योग यदि 5 साल बाद देखने जाते हैं तो 60 साल का वह बंदा दोनों जो है पूर्ण चुका रहता है। दोनों का उम्र जब जोड़िएगा तो दोनों का आयु का योग 5 वर्ष बाद कितना है, 60 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु क्या होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। चलिए तो पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि अनुपात जो है वर्तमान का है, निश्चित राशि जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, बाद का। तो इसको सबसे पहले क्या में बदल लेंगे, वर्तमान में, ठीक है। हम लोग लिखेंगे ए जोर बी के वर्तमान आयु का योग हम लोग पता कर लेते हैं। चलिए तो कितना होगा, तो दिया हुआ है 60 और हमको बाद से वर्तमान में आना है, बाद का दिया हुआ है और इससे हमको वर्तमान आना है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना घटाना है, तो 5 वर्ष यहां से यहां 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो बाद से वर्तमान 5 ना आएंगे। एक व्यक्ति रहता तो केवल 5 आते, 2 है तो 2 से गुना कर लीजिएगा 5 में, तो 10 घट जाएगा इसमें से। तो 60 में से यदि हम 10 घटाते हैं तो सबसे पहले हमको कितना प्राप्त होता है, 50 वर्ष। ए और बी ये दोनों के वर्तमान आयु का योग निकालिएगा, जोड़िएगा, तो हमको पता चल जाएगा 50 वर्ष। अब देखिए रेशियो भी वर्तमान, आयु जो निश्चित राशि वो भी वर्तमान का पता चल गया। तो हम बोले थे कि एक्स वाई जेड से कैसे बनाएंगे, चलिए अनुपातिक राशि को, है ना, एक्स वाई जेड से गुना कराता है ना, उसको निश्चित राशि बनाते हैं। तो ये 3:2 है, 3:2 है। चलिए यदि इसको 1 से गुना करा दीजिएगा तो हो जाएगा 3x, आई वाला आ जाएगा 2x, यानी ए 3x जखनी इसका उम्र रहेगा तब बी का 2x हो जाएगा। आपको पता है अनुपात में कि जितना से इधर गुना करेंगे उतना ही से इधर गुना करेंगे, दोनों तरफ, दो गो व्यक्ति रहे, तीन गो व्यक्ति के बीच अनुपात रहे या कितना हो के बीच अनुपात रहे, जिस राशि से पहला में गुना करते हैं वही राशि से दूसरे में भी गुना करते हैं। तो हमने x मान, वह अनुपातिक राशि क्या माना, x, है ना। अब जब x से इधर गुना किया तो इसमें भी जाहिर सी बात है x से ही गुना करेंगे, तो जखनी a रहेगा 3x तब b कितना हो जाएगा, 2x वर्तमान में। अब बताइए प्रश्न से, प्रश्न वाला क्या कहा कि दोनों के वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, तो वर्तमान में दोनों का योग कीजिए, तो 3x और 2x ये भी दोनों को जोड़ेंगे तो इतना पूरेगा, बराबर कितना है योग, 50 वर्ष। तो यहां हमने बराबर कर दिया, प्रश्न के अनुसार हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब 3x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 50। अभी गुना में है तो बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो इससे कई बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 10। अब x का मान हमको पता कितना चल गया, 10। अब हमको पता नहीं ना था कि हमें कितना से गुना करे, अब इनने उतना ही से, तो हमने x मान लिया था जा दिए, और दोनों में x से गुना करके निश्चित राशि बनाया। अब दोनों का योग उम्रों का पता है, तो यहाँ दोनों की उम्र का योग किए इतना हुआ, निश्चित में दोनों का उम्र का योग 50 है। अब यहाँ से हल कर कर हमने x का मान पता कर लिया। अब हमको क्या कहा, a की वर्तमान आयु बताओ, और a की वर्तमान आयु कितना आपको दिखाई दे रहा है, 3x। तो हम लिखेंगे a की वर्तमान, है ना, a की वर्तमान आयु का योग, आयु वर्तमान, अकेले दो गो रहता तब ना योग अंतर रहता, ये अकेले है, तो ए की
वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु, एक वर्तमान आयु कितना है 3x, हम लिखेंगे 3x बराबर, तीन तो तीन रहेगा। अब हमको x का मान पता कितना चल गया 10, यानी 3 में हम लोग 10 से गुना करा देंगे तो हमको पता चल जाएगा 10 3 30 वर्ष, यानी A का उम्र कितना है 30 वर्ष। तो आप लोग कमेंट में हमको बताइए B का वर्तमान आयु क्या है, ठीक है बता सकते हैं B का क्या है 2x, तो यहाँ लिखिएगा B के वर्तमान आयु बराबर 2x, तो 2 × 10 कीजिएगा कितना होगा पता चल ही गया होगा। एक बात और देखिए, जब हम प्रश्न में वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और निश्चित राशि एक हमको पता है, तो अनुपात वर्तमान का है तो निश्चित राशि कुछों में रहेगा, उसको पक्ष का वर्तमान में ही पहले बदलेगा। यदि अनुपात यदि बाद का हो जाए, अनुपात जो भी व्यक्तियों के बीच का अनुपात रहेगा अगर बाद का है तो निश्चित राशि कुछ में भी रहता है, उसको बाद में बदलेगा, है ना। और उसी प्रकार से जान जाएंगे कि एक बच्चे ने पूर्व, यानी अनुपात यदि पूर्व का दिया रहेगा दो व्यक्तियों का बीच का, तो हम निश्चित राशि को पूर्व बना लेंगे। अभी क्वेश्चन में क्या था, वर्तमान का अनुपात दिया हुआ, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, अब देखने दे तो निश्चित राशि बाद का है, इसको हाली सी का हमने क्या बना लिया, वर्तमान बना लिया। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में हम यही तो सिखा रहे थे कि कैसे इससे इसमें कैसे बदलेंगे, 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 यही तो सिखा रहे थे पार्ट 1 पार्ट 3 में। अब यहाँ डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा कि दो व्यक्तियों के बीच का ऐसे ऐसे दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से आपको जैसा समझाया बन गया। अब देखिए तो आपको अनुपात से चलना है, अनुपात वर्तमान का है तो हम वर्तमान के अनुसार से ही पूरे सिलेबस को बदल कर, अब देखिए यहाँ पर कैसे बना लिया। अब देखिए जब A की वर्तमान आयु हमको पता चलेगी तो A के 5 साल बाद आयु कितना होगा, है वर्तमान में 5 जोड़ देवे, वर्तमान में 5 जोड़ देवे तो 35 साल के ना हो जाते लड़का। अगर कहेगा A के 5 वर्ष पूर्व की आयु बताओ तो अनुपात वर्तमान का है तो पहले हम वर्तमान का आयु निकाल लेंगे, और जब निश्चित में निकल जाएगा कि ये कितना साल के वर्तमान में है ना, अनुपात जिसका रहेगा उसमें हम मान निकाल लेंगे, और जब मान हमको आ गया तो ये तीनों में से कहीं का कहेगा निकाल लेंगे। अब हमको मान आया है A के वर्तमान आयु 30 वर्ष, अब पता 5 साल पूर्व कितना रहेगा A का आयु, तो बताइए अभी 30 साल कही तो 5 साल पहले की हो जाती, तो हमें से 5 घटा देवे इतना कहे कि 5 वर्ष पूर्व की आयु 25 वर्ष, पता के 3 वर्ष पूर्व कितना रहेगा तो हमें से 3 घटा दें। अब तो सवाल रहा समझ गए, तो हमको कोशिश रहेगा कि रेशियो क्या चीज का दिया होगा, रेशियो जिस चीज का दिया रहेगा निश्चित राशि को वही बनाइए और इस प्रकार से दोनों को तुलना कीजिए। अब यहाँ पर एक्स के सापेक्ष तुलना किए हैं तो इस प्रकार से बन गया है। चलिए अब रेशियो से तुरंत कैसे निकालेंगे देखिए, तो चूंकि हमको अनुपात दिए गए था 3:2 और यहाँ हमको उम्रों का योग कितना आया था वर्तमान में, देखिए यह वर्तमान है और अनुपात भी वर्तमान आ गया, तो देखिए दोनों के उम्र का योग 50 है तो रेशियो को जोड़िएगा तो कितना होगा, दोनों 2 और 3 को जोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5 होगा, तो कुछ नहीं करना है, एक क्या आयु निकालना है तो देखिए कितना जल्दी तुरंत निकल जाएगा रेशियो, दोनों के उम्र का आयु वर्तमान में 50 है तो देखिए रेशियो में वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग किए तो कितना आया 5, दोनों एक ही वर्तमान आयु निकालना है तो एक वर्तमान आयु कितना है अनुपात में 3, तो हम ए वाला से गुना करा दिए, जब इसको काटिएगा तो इस प्रकार से डायरेक्ट आपको पता चल गया कि वर्तमान में कितना है 30 वर्ष। अब वर्तमान पता चल गया तब बाद पूर्व जन्म ले जाना कहेगा बताओ बता दीजिएगा, है ना, तो इन सोचिएगा कि हर बार वर्तमान है निकाले सर, ऐसा बात नहीं है, रेशियो वर्तमान का था तो प्रश्न में कुछ भी में निश्चित राशि रहे उसको भी हमने वर्तमान में बदला तो आंसर भी निकल करते काट कूट के वर्तमान में वाला ना, अब वर्तमान वाला अगले तेलने उन्हें आप जा सकते, यदि रेशियो पूर्व का रहता तो हम सबको पूर्व में चेंज करते तो हमारा आंसर भी कथी का था पूर्व की आयु आ जाए, जब पूर्व की आयु आ जाती है
तो इंडियन में आप ना जा सकते हैं, सब नियम सिखाए हुए बिल्कुल जा सकते हैं। तो देखिए रेशियो से करते तो आपको एगो बात ये पता करना होता और उसके बाद डायरेक्ट देखिए तुलना कराते और अगला बात ये लिखते आंसर आपके सामने प्रकट हो जाता एक लाइन। लेकिन यदि आप एक्स वाई जेड कीजिएगा फिर भी बनेगा, एक्स वाई जेड क्यों करते हैं उसके जगह निश्चित बनाने का अनुपात को निश्चित राशि बनाने के लिए। अभी हम एक से गुना के आपको मन में जाएगा ना सर, हम वाई से करेंगे तो गड़बड़ा जाते काहे गड़बड़ाएगा हम, यदि ए में वाई से गुना करेंगे तो यह में वाई से गुना करेंगे तो ये हो जाता थ्री वाई, ये हो जाता टू वाई, फिर यहाँ जोड़ देता था फाइव वाई, वाई का मान आ जाता टेन, तो एक की उम्र निकलना आता ही रहता थ्री वाई। तो बताइए थ्री गुने टेन बराबर थर्टी, आ गए कि ना आ गए। तो आप अपना मन से ए बी सी डी के कोई भी लेटर मान सकते हैं, ज्यादातर चलल है एक्स, समझ रहे हैं ना, सब एक्स लगाता है गणित वाला से, तो घबराना नहीं अपना हिसाब से। तो अनुपात को आप निश्चित बनाकर ऐसे तुलना करके बना लीजिए, नहीं तो जब रेशियो पता है तो रेशियो मेथड से बना दीजिए, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकालना उसे गुणा कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ज्यादा विशेष सीखने के लिए कल वाला वीडियो देख लीजिए। आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अब जो है दोनों मेथड से बनाएंगे, मतलब एक्स वाई जेड वाला भी फुल प्रोसेस जितना आपको पता उससे भी तुलना करके डायरेक्ट कंपटीशन में बैठ लेंगे तो पैसा बनाएंगे। तो देखिए ये इतने हम लोग करेंगे परीक्षा में, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, इस मने में हो जाए छे 50 जो लड़के ये लिखवाई मने में गुना भाग करके यहाँ 50 हो जाए, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि जो निकालना है गुना इतने तो याद रखना। और निश्चित राशि कैसे बनेगी तो नियम दिमाग में याद रखना ही है, कब चैप्टर का लाभ हानि का अलग नियम होता है, साधारण ब्याज का अलग नियम होता है। तो चैप्टर का मूल रूप आप याद रखिए, हर बार याद रखिए निश्चित राशि की तुलना में निश्चित राशि से निकलना है गुना कीजिए, कहीं कहीं ई वाला तुलना वाला नियम फेल हो जाता है। कहाँ फेल होगा, वह ऐसा क्वेश्चन रहता है कि केवल इक्वेशन के हिसाब से यदि आप नहीं चले तो रेशियो फेल हो जाए, है ना। तो इसलिए कहाँ तुलना कर लेंगे और कहाँ आपको प्रोसेस से ही बनाना होगा, तो वीडियो देखते रहिए और अच्छा से समझ पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उसको शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, धन्यवाद।